वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं FST1 के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। इस बार जो आपके एग्ज़ाम हैं वो MCQ बेस्ड होंगे और OMR सीट पे होंगे। आपको जानकारी होगी FST1 और BSHF के एग्ज़ाम इस बार MCQ बेस्ड होने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि FST1 का जो एग्ज़ाम है BA और BCOM के स्टूडेंट्स के लिए वो 28th ऑफ दिसंबर को इवनिंग सेशन में होगा और BSc और अदर प्रोग्राम के लिए 31st ऑफ दिसंबर मॉर्निंग सेशन में कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ASLV का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे आपको चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ए ऑप्शन इज़ एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें सी एक्स्ट्रा टाइपिंग करने वाले ने लिख दी है तो ये व्हीकल है VEHICLE। बी है एगुमेंटेड सैटेलाइट लुक वैन, सी है एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च वैन, डी है एगुमेंटेड सैटेलाइट लाइव वैन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 जो है वो PSLV से लॉन्च किया गया था और हम यहाँ पर ASLV की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने वो है फाउंडर ऑफ इसरो, इसरो के फाउंडर कौन थे ये आपको बताना है। और आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको K. सिवन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी विक्रम सारा भाई एंड डी इज नॉन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विक्रम सारा भाई। विक्रम सारा भाई ने इसरो की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच आर द 4 मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। इन चारों के कौन से रिवर वैलीज थे, जैसे कि नाइल जो है वो इजिप्ट का है, इंडस जो है वो इंडिया का है, इधर चाइना का जो है वो ह्वेंग हू है और मेसोपोटामिया का है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय हुम, अर्थशास्त्र एक बुक है वो किनके द्वारा रचित है, किनने उनकी रचना की है ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ए कौटिल्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त एंड डी इज नोन। और करेक्ट ऑप्शन है ये आपको ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये किसके मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कास्ट सिस्टम इमर्ज्ड इन विच एज, कौन से एज में कास्ट सिस्टम आया था ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, ए आयरन एज, बी रॉक एज, सी ब्रॉन्ज एज एंड डी इज स्टोन एज। और इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, आयरन एज में जो है वो कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो गई थी। आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो स्ट्रेटिफाइड है, ये आपको पता है ना, वर्ण शैली चलती है हमारे यहाँ पर, वर्ण व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, बाकी अब तो सेकुलरिज्म है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। पोट्री ऑफ दोस टाइम 1000 BC टू 600 BC फाउंड इन गैंगेटिक प्लेन, वो कौन से, उस पोट्री का क्या नाम है, उस पोट्री को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शन, ए क्ले क्राफ्ट, बी पोट्री, सी क्ले पोट्री, डी इज पेंटेड ग्रेवियर। और इसका करेक्ट ऑप्शन है पेंटेड ग्रेवियर। उस टाइम पे जो बर्तन मिले थे 1000 BC से लेकर के 600 BC के, वो पेंटेड ग्रेवियर के नाम से जाने जाते हैं। और मैं एक आपको बात बता दूं कि पेंटेड ग्रेवियर से अच्छी क्वालिटी के हरप्पा के टाइम के पॉटरी मिले हैं। तो अगर कंपैरिजन आ जाए तो हरप्पा के जो पॉटरी हैं, बर्तन हैं, उस वक्त के यूटेंसिल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे थे पेंटेड ग्रेवियर से। ठीक है ना, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर कहा गया है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद यूनिवर्स डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, यूनिवर्स 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, आपको बताना है वो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ए है अर्थ, बी है फर्मामेंट, फर्मामेंट का मतलब होता है अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, सी इज हेवन एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 पे, आर्यंस मूव टुवर्ड्स ईस्ट
ईच कंसीडर्ड इन विच पीरियड? आर्यंस आपको पता है ईस्ट से हमारी तरफ आए थे, इंडिया के अंदर आए थे, तो ये कौन से पीरियड में हमारी कंट्री में आए थे ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऋग्वेद के पीरियड के टाइम में, ऋग्वेद के टाइम पे जो आर्यंस थे वो हमारे भारत में आए थे। और ऋग्वेद का जो काल माना जाता है वो 500 बीसी से 700 बीसी माना जाता है। ऑप्शन बी आपके पास यजुर्वेद है, और यजुर्वेद का माना जाता है 700 से 400 बीसी तक, ठीक है ना। अब क्वाइनस सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्वाइनस सिस्टम स्टार्टेड इन, क्वाइनेज सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट हो गया था ये आपको बताना है। और आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है बी, आयरन एज में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द थ्री दोष विच कॉज इलनेस आर, तीन दोष आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है, वो तीन दोष कौन से हैं जिनसे बीमारियां होती हैं। ए ऑप्शन है वायु, बी पित्त जिसे बाइल भी कहते हैं, सी कफ, और डी है ऑल। और इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल, क्योंकि इन्हीं तीनों के असंतुलित होने से बीमारियां होती हैं ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे, यूज ऑफ एनेस्थीसिया या फिर एनेस्थेटिक भी कहते हैं इसको, ये कौन से भाग में बताया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है चरक संहिता, बी है सुश्रुता संहिता, बी सी है नोन, सी है बोथ, और डी है नोन। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, क्योंकि सुश्रुत संहिता के अंदर ऑपरेशन की बात है यहाँ पर, कि ऑपरेशन किस तरीके से सर्जरी होती है ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो एनेस्थीसिया का इस्तेमाल भी सुश्रुत संहिता में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, इक्लिप्सिस आर कॉज्ड बाय द शैडो ऑफ अर्थ और मून। इक्लिप्सिस हम ग्रहण को कहते हैं, और ग्रहण शैडो से होता है अर्थ या फिर मून के, ये बात किसने बताई थी ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, आर्यभट्ट ने ये बात बताई थी कि जो ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं, ये शैडोज की वजह से होता है, परछाई की वजह से होता है वो पृथ्वी या फिर मून के। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट अंडर वन किंग और वन सोवरेन रूलर उसको हम क्या कहते हैं, एक ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें एक ही राजा राज करता हो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, उसे हम मोनार्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्यूस्टिक इज द स्टडी ऑफ, एक्यूस्टिक्स किस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, साउंड की स्टडी को हम एक्यूस्टिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब क्रिएट किया गया था ये आपको बताना है, ये 1851 में क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेक्निकल इनोवेशन लीड टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से इनोवेशंस हैं जिससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। ए है मैकेनिकल गैजेट्स फॉर स्पिनिंग, बी है यूज़ ऑफ स्ट्रीम पावर्ड इंजन, सी है मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर माइनिंग, यहाँ पर फॉर एग्रीकल्चर भी हो तो भी उसे हम करेक्ट मानेंगे, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे के सारे इनोवेशंस ऐसे हैं जिनसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, ये आपकी बुक में दे रखा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर के ही हैं। ए है एंटोनी ल्यूरेंट लोवियाइजर, बी है जॉन डेल्टन, सी जोसेफ प्रिस्टली, एंड डी इज लाउस पाश्चर। और आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एंटोनी ल्यूरेंट लोवियाइजर, और लाउस पाश्चर ने बैक्टीरिया की खोज की थी। जॉन डेल्टन आप जानते हैं, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, और जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की है, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। हम 18th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 18th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स डीलिंग विद द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट बॉडीज लाइक अ लेंस और ग्लास, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसके अंदर इस चीज़ की स्टडी की जाती है कि एक लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट बॉडी या फिर लेंस या फिर ग्लास से पास करती है, उस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। ए ऑप्शन है, यहाँ पर टाइपिंग वाले ने थोड़ी गलती कर दी है, ए ऑप्शन है ट्राई ऑप्टिक्स, बी है बाई ऑप्टिक्स, सी है डाई ऑप्टिक्स, एंड डी इज नॉन। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डाई ऑप्टिक्स।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है विलियम हार्वी, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी फंक एंड डी इज एडविन जेनर। और इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, विलियम हार्वी ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था। बी न्यूटन है, न्यूटन के आप लॉस पढ़ चुके हैं। सी जो है फंक, और फंक ने विटामिन की खोज की थी। एडविन जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, गिव लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इनमें से कौन है जिन्होंने प्लेनेटरी मोशन के लिए लॉ दिया है, आप जानते हैं कौन है इनमें से। ए ऑप्शन है जॉनस कैपलर, बी है रॉबर्ट बॉयल, और इन्होंने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन का है। सी है गैलीलियो गैलीलियो एंड डी इज जॉन नेपियर। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए जॉन स्कैपुलर, और गैलीलियो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, और जॉन नेपियर ने स्पेस में जितने भी प्लैनेट हैं उनके मूवमेंट को देखा था, उनके प्लेनेटरी मूवमेंट को, जो जिन्होंने प्लेनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया था वो है जॉन नेपियर। तो ये तो थे हमारे पास 20 क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखे। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।